हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका चमचमाना में। आज का टॉपिक है थिकनिंग एजेंट्स। ये है क्या चीज़? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो थिकनिंग एजेंट्स आपसे पूछा जाता है, या फिर आप जो है जैसे प्रैक्टिकल आपके होते हैं और आपके प्रैक्टिकल में आपके सर ने या आपकी जो फूड प्रोडक्शन के प्रोफेसर हैं उन्होंने आपसे बोला कि थिकनिंग एजेंट्स कौन से हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके एक्सटर्नल में आपसे पूछा जाएगा, या फिर आपसे जो है जब आपका फर्स्ट इंटरव्यू होता है आपका ट्रेनिंग या जॉब ट्रेनिंग के दौरान, तो आपसे थिकनिंग एजेंट्स के बारे में पूछा जाता है। तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि थिकनिंग एजेंट्स ये है क्या चीज़। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, थिकनिंग एजेंट्स में आपको सिंपल वे में आपको मैं बताऊँ तो जो थिकनिंग एजेंट्स का मीन्स है कि किसी भी लिक्विड फॉर्म को हम जो है थिक करें किसी एजेंट्स के थ्रू। फॉर एग्जांपल, जैसे हम बनाते हैं ना बेसेमल सॉस, तो बेसेमल सॉस को थिक करने के लिए बेसेमल सॉस को, जैसे मिल्क होता है वो हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है और हम एजेंट्स उसमें ऐसा ऐड करते हैं जो गाढ़ा हो जाए, तो उसको हम एजेंट्स बोलते हैं। जैसे रो जो है बटर एंड फ्लावर, ये जो है हमारे थिकनिंग एजेंट्स है। तो उनको मिक्स करके हम जो रू बनाते हैं और रू को हम मिल्क में डालते हैं या किसी भी सॉस में, चाहे वो एस्प्लेनर सॉस है, वलूते सॉस है, तो ये जो है एक थिकनिंग एजेंट्स है। एक एग्जांपल और है जो हम इंडियन में यूज़ करते हैं, वो थिकनिंग एजेंट्स इंडियन में जो हम यूज़ करते हैं वो होता है स्टार्च। स्टार्च मीन्स पटाटो के अंदर स्टार्च होता है, तो हम जो है उसका यूज़ करते हैं थिक करने के लिए, किसी भी ग्रेवी को थिक, या जैसे सूप हो गया, सूप को हम थिक करते हैं, या किसी कोई सॉस, तो ये आपके थिकनिंग एजेंट्स है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चाइनीज़ में जो हमारा थिकनिंग एजेंट होता है वो होता है कॉर्नफ्लावर। तो कॉर्नफ्लावर को जब हम जैसे सूप बनाते हैं, आपने देखा होगा जब सूप बनाते हैं तो सूप में जो है कॉर्नफ्लावर या कॉर्न स्टार्च हम इसके अंदर ऐड करते हैं, तो जो सूप है वो थिक हो जाता है। तो ये हमारा थिकनिंग एजेंट्स है। थिकनिंग एजेंट्स आपको सिंपल वे में यही है कि रो आ गई आपके उसके अंदर बटर एंड फ्लावर, देन एग भी आपका थिकनिंग एजेंट्स है, एंड आपका कॉर्नफ्लावर एंड पटाटो, ये सब आपके थिकनिंग एजेंट्स हैं। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि थिकनिंग एजेंट्स कौन से हैं। जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, थिकनिंग एजेंट्स मीन्स के किसी लिक्विड फॉर्म या किसी को बाइंडिंग करने के लिए जो हम एजेंट्स का उपयोग करते हैं उसको हम कहते हैं थिकनिंग एजेंट्स। जौन से जैसे बटर हो गया एंड फ्लावर हो गया, कॉर्न स्टार्च हो गया, एंड पटाटोज हो गए, एंड आपका जो है बटर, फ्लावर एंड रू, ये जो आपका जो है ये सारे थिकनिंग एजेंट्स है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है होटल से रिलेटेड या होटल से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल एंड बाय बाय, टेक केयर।